अरे आंटी आइए ना बैठे। अच्छा हुआ तुमने खुद ही फैसला कर लिया। किस चीज का आंटी? यहां से जाने का। आप बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी। सिकंदर भी इज्जत कर रहे हैं कि हम शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए अब तक। आप कहती हैं तो आपके बेटे को हाँ कह देती हूँ। हाँ शायद स्विट्जरलैंड जाने की बात कर रहे हैं। मैं तुम्हारे इस कमरे और इस घर से जाने की बात कर रही हूँ। सिकंदर को ये कमरा बहुत पसंद है और यकीनन तानिया से शादी के बाद वो इसी कमरे में रहना पसंद करेगा। ओह अच्छा अच्छा तो कंफर्म हो गया कि सिकंदर और वो आई एम सॉरी क्या कह रही थी आप, शादी वगैरह कर रहे हैं? यस कंफर्म हो गया है। अच्छा मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता क्योंकि सिकंदर ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया मुझसे। यू नो लाइफ पार्टनर से सब कुछ डिस्कस करना पड़ता है, आप समझ रही हैं ना? और अगर लाइफ पार्टनर ही बदल रहा हो तो? यानी तुमसे बेहतर आ रहा हो तानिया जैसा। ये सोचने की बात है। सोचने की बात तो ये भी है कि तुम कहां रहोगी, इसी घर के किसी कमरे में या अपने बाप के घर? अरे आंटी मैं आपके बेटे की जिम्मेदारी हूं, वो मुझे जहां भी रखेंगे मैं रह लूंगी। सिंपल। बहुत चहकने लगी हो तुम। सिकंदर ने मुझे इतना खुश क्यों रखा हुआ है, आपके बेटे ने? लेकिन तुम जवाबन उसे कोई खुशी नहीं दे सकी जैसे औलाद। वैसे आंटी मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हर माँ के लिए उसका बेटा व्हाइट टाइगर क्यों होता है। जी आंटी व्हाइट टाइगर, जैसे उसकी नस्ल खत्म हो जाने का डर है ना, वैसे ही हर माँ को अपने बेटे की नस्ल बचाने की फिक्र पड़ी रहती है। मुझे तुम्हारा ये भोंडा मजाक सारा पसंद नहीं आया, लेकिन खैर तुमने जितना बोलना है बोल लो। शमा जब पूछने लगती है तो बहुत जोर से फड़फड़ाती है। तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं बीबी, अब मेरी बारी है। तानिया तुम्हारे मुकाबले खड़ी होगी अब। लेकिन आंटी ज्यादा अहम बात तो यह है कि आपका बेटा किसके पीछे खड़ा होगा। बहुत देर कर दी मैंने, अगर मैं तानिया को पहले ले आती ना तो तुम अपनी हद में होती आज। वैसे आंटी मुझे लगता है कि आप अब भी बहुत जल्दी कर रही हैं। वो कहते हैं ना देर है लेकिन अंधेर नहीं, हो सकता है कि मैं ही बहुत जल्दी आपको खुशखबरी सुना दूं। और यकीन माने सबसे पहले आप ही को सुनाऊंगी।